और इधर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईओडब्ल्यू ने के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले में जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी, जांच में जो तथ्य आए उसके बाद एफआईआर की गई है। भाजपा राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई नहीं करती है, मामले में 2 साल से जांच चल रही थी। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने चुनावी बॉन्ड पर मामले पर भी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। ऐसे महादेव ऐप की जांच चल रही थी, जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। चुनाव में काले धन का उपयोग रोकने का एक कदम था और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस दिशा में और कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसे लेकर विपक्ष अनावश्यक रूप से मुद्दे उठा रहा है। सभी राजनीतिक दलों को मिला है, सभी राजनीतिक दलों के चुनावी बांड से पैसे लिए हैं और इसलिए इस पर अनावश्यक रूप से बयानबाजी करना ठीक नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की हमेशा, पोलराइजेशन की राजनीति कांग्रेस ने की। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर चलती है। आज पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है।